कक्षा 8 अभ्यास 1F, वनी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर पहला है सत्य व असत्य, जो सही हो उसको लिखना है, सत्य असत्य स्वयं छांटिए। नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 3 प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, ये बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। फर्स्ट है 2/3, 2/3 गुणे x बराबर 1। तो जो संख्या में ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात करना है तो x के गुणे में जो भी संख्या है उसको पक्षांतर करेंगे बराबर के दूसरी साइड। तो जो x के गुणे में है वो भाग में जाएगा और भाग में वो गुणे में जाएगा। 3 भाग में है, 1 गुणे में चला गया, 2 गुणे में है, भाग में आ गया। तो x बराबर 3 * 3 = 3/2 उत्तर हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, यहाँ देख रहे हैं गुणे में नहीं है, x के प्लस में है, प्लस में है जब -3/4 पक्षांतर करके उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का। तो x बराबर 3/4 एक्स गुणे, अब ये गुणे में है -5/4, तो जो गुणे में है तो -5 गुणे में, 4 भाग में, पक्षांतर करके उधर जाएगा तो -5 नीचे आ गया और 4 गुणे में चला गया, 4 * 4, और माइनस को ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हैं, हमने ऊपर लिख दिया तो -4/5। अब देखिए फोर्थ पार्ट, एक्स गुणे -6/-7, -- कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, गुणे में है 6/7, तो 7 भाग वाला गुणे में चला जाएगा, गुणे वाला भाग में चला जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम एक तरफ केवल x रखेंगे और दूसरी तरफ जो भी वैल्यू बचती है वो सब दूसरी तरफ ले जाएंगे, 7 * 7/6। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं पांचवा, -5/4 * 4 - 5, गुणे में है -5 से -5 कट गया एक बार, 4 * 4 कट गया, यानी कुल मिला कितना बचा 1, तो 1 = x, तो x बराबर 1 आ गया। -7/6 + 7/6 पूरा काट 0 कर सकते हैं, वरना हमने लासा ले लिया 6, तो 6 से 6 कट गया -7, 6 से 6 कट गया +7, -7 + 7 0, 0/6 x बराबर 0 आ गया। ऐसे ही अगला सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम में जो भी लिखा होता है, जो भी संख्या होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का है तो माइनस कर देंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2, और अगर माइनस का है तो प्लस कर देंगे -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8। ऐसे ही पांचवा निम्नांकित परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणे को भाग में, भाग को गुणे में, संख्या को पलट देते, अंश को हर में और हर को अंश में, 8/13 गुणात्मक प्रतिलोम 13/8, हर अंश में चला गया, अंश हर में चला गया, -6/19 गुणात्मक प्रतिलोम, अंश को हर में तो 19 6 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, -19/6, -9 गुणात्मक प्रतिलोम, -9 हर में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं अपनी तरफ से, तो 1/-9 या -1/9 गुणात्मक प्रतिलोम, 2/5 * 9/4 तो 2/5, हमने देखा ये 2 से कट जाएगा, 2 * 2 = 4, ऊपर 1 बचा, तो 1/5 * 9/2, 9 * 1 = 9, 5 * 2 = 10, 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 आ गया। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगला सवाल कह रहा है छठा, सरल कीजिए, -32 * 5/-14 * -3/-5 * 0 - 13/5, 0 के गुणे में सब कुछ है, 0 का किसी में भी कितनी बड़ी संख्या में गुणा हो जाए तो उसका उत्तर 0 ही आता है, सब खत्म हो जाए केवल 0 बचेगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी हो गई।